क्या आप, हो गया भाई? आप बीच में बोलेंगे किशोर तिवारी जी, आवाज कट जाएगी आप स्काइप पे। मैं अतिकुर रहमान साहब से पूछता हूँ, अतिकुर रहमान साहब आप कह रहे दूसरे मजहबों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। दीपक जी 15 सेकंड और दे दीजिए, ठीक है ले लीजिए ले लीजिए। दीपक जी 15 सेकंड और। आदरणीय किशोर तिवारी जी ने अभी गोडसे को लेकर कुछ टिप्पणी की। किशोर तिवारी जी नए नए शिवसेना में आए हैं, इसलिए संभवतः इनको शिवसेना की समझ। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने 1994 में पुणे की सभा में कहा कि मैं गांधी की तुलना में गोडसे को बड़ा देशभक्त मानता हूं। ये मेरा कथन नहीं है, ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का कथन है। उनको गोपीनाथ मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा बाला साहब कृपा करके ऐसा मत बोलिए। अगली सभा में हो गए और उन्होंने कहा मुझे गोपीनाथ मुंडे रोक रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि मैं गांधी की तुलना गोडसे को ज्यादा मानता हूं। और सामना में गोपाल गोडसे जो नथुराम गोडसे के छोटे भाई थे, जिनको आजीवन कारावास की सजा गांधी हत्या में हुई थी, उनका स्तंभ प्रकाशित होता था। किशोर तिवारी जी कृपा करके आप शिवसेना के इतिहास को समझ लीजिए, उसके बाद किसी प्रकार की टिप्पणी कीजिए। जरा बोलना पड़ेगा। हाँ किशोर तिवारी जी बोल दी, जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि गीता प्रेस को, अरे गोडसे की बात हो रही सर, गीता प्रेस बोल दिया आपने, गोडसे में बताइए। आप कह रहे हैं आप गोडसे को निषेध करते हैं, आप गोडसे को गोडसे जी कह रहे थे। नहीं नहीं एक बात मैं बता देता हूँ कि जब भारत का पार्टीशन हुआ, अरे सर बाला साहब ठाकरे की बात करिए ना। देखो बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था तो उससे मैं ये बात से को लेके मैं आपसे विवाद नहीं कर सकता, लेकिन बाला साहब ठाकरे ये बेवाद बात करते थे, लेकिन गोडसे और उनकी राष्ट्रीयता को लेके बहुत विवाद है। लेकिन जयराम रमेश ने जो टिप्पणी की जिसमें उन्होंने सावरकर, फोन घुमाइए ना सर, सहयोगी हैं आपके, फोन घुमाइए, बोलिए आपने क्या बोल दिया जयराम रमेश जी सावरकर जी पे, करेंगे उद्धव ठाकरे जी है? मुझे बताओ, एक इंस्टीट्यूट को प्राइज देते हैं और इंस्टीट्यूट का सम्मान करते हैं, उसका वो सम्मान हनुमान प्रसाद कोतवाल को दिया होता तो गोडसे को दिया, सावरकर को दिया, बोल के चलता था। लेकिन बाद में खेमका जी ने भी 25 साल काम किया, ठीक है, और मेरे साथ देवी दयाल, रुकिए एक मिनट रुकिए किशोर तिवारी, देवी दयाल अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, चीफ ट्रस्टी है गीता प्रेस के। जो बात कही है गोडसे से तुलना की है गीता प्रेस की, देवी जी देवी दयाल जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कितनी उचित है जयराम रमेश के इस ट्वीट पर आप क्या कहेंगे? और मैं बहुत सम्मान करता हूँ गीता प्रेस का, क्योंकि बचपन में रामायण गीता कल्याण महाभारत जो भी आप लोगों ने प्रकाशित किया है मैंने सब पढ़ा हुआ है, और बहुत कम पैसों में। गीता प्रेस 1923 से ही अपने कार्य में लगा हुआ है और गीता प्रेस अपने सिद्धांतों पर चलते हुए 100 वर्ष पूरे कर चुका है, और शुरू से ही गीता प्रेस का यह सिद्धांत रहा है कि वो किसी समालोचना में या किसी वाद विवाद से परे हट करके ही अपने काम में काम करता रहा है, इसलिए इस विषय पर हम अपने तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों के सबके सहयोग से गीता प्रेस अपने कार्य में लगा रहे, यही आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है, एक बात बार बार रहेगी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जो है गांधी हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई थी, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? ना बिल्कुल नहीं, ये सब्जेक्ट कहां से आ गया ये समझ के बाहर की बात है, और ना इस तरह की कोई बात कभी हुई है न थी, इस बात को कैसे किस रूप में कहां से आई ये हम लोगों के समझ से परे की बात है। ये लगातार सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, जो कांग्रेस के समर्थक है वो लिख भी रहे सोशल मीडिया पे कि देखिए इनका फैक्ट तो ये है, इनका सच ये था। ये आप लोग इसको ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है देवी अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का, और मैं चाहता हूं कि गीता प्रेस इसी तरह 200 साल भी पूरे करे, 500 साल भी पूरे करे, और आप इसी तरह से सेवा करते रहें, अगर आपने सनातन की सेवा का बीड़ा उठाया है तो। इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा, अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। सीधे मैं चलता हूं यहां से कपीश श्रीवास्तव जी के पास। कपीश जी बताइए मुझे, आप खुश हैं गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने से? देखिए दीपक जी, मैं दो बातें कहूंगा, एक तो मैं गोरखपुर का हूं और गोरखपुर से ही आपके साथ लाइव हूं। जहां तक मेरी व्यक्तिगत प्रसन्नता का सवाल है,
इसमें कहीं दो राय नहीं है, मैं भी प्रसन्न हूं, पार्टी भी प्रसन्न, और इसलिए प्रसन्न है कि गीता प्रेस ने यह ठीक है एक धर्म विशेष की पुस्तकों को छापने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गलती कर दी सर, धर्म विशेष कहना जरूरी था कपीर श्रीवास्तव जी। नहीं मैं बिल्कुल कहूंगा ये कुरान थोड़ी, अरे आप भी वही है सर, आपका धर्म भी वही है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सारे धर्म एक समान है। मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ कहता हूँ, दूसरों को मैं छोटा नहीं कह सकता, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ कह सकता। आप कह क्यों रहे धर्म विशेष? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ सनातन धर्म की ही पुस्तकें छापी हैं, कुरान और बाइबल नहीं छापी है। तो इसलिए क्षमा कीजिएगा, जबरदस्ती का विवाद ना हो। मैं अब दूसरी बात आपको कह कि जो भी किताबें छापी गई वो गीता का सार है ज्यादातर, और गीता कर्म के पर आधारित, गीता कर्म के लिए प्रेरित करने की पुस्तक है, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। अगर कोई दूसरा विशेष भी पढ़ना चाहे तो इससे उसको कर्म का ही ज्ञान मिलेगा कि हमें तो क्या करना चाहिए। अतिकुर भाई को सजेस्ट कर दीजिए, पढ़ ले, अतिकुर भाई पढ़ेंगे गीता? नहीं मैं सजेस्ट कह रहे हैं, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूं। पढ़ी आपने गीता अतिकुर भाई? मतलब आप तो रिसर्चर हैं। अब या तो पूरा तो मुझे कह लेने दीजिए। रुक जाइए कपीर जी, एक सवाल आ गया दिमाग में, रुक जाइए। अब आप समर्थन ही कर दिया आपने तो डिबेट कहाँ रह गई? अतिकुर रहमान नहीं, क्यों नहीं डिबेट रह गई है, अभी कुछ शेष है। फिर आप बोलेंगे महंगाई, बेरोजगारी, विकास। समाजवादी पार्टी के नेता कि आपको भी गीता पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि तो कर्म के आधार पर पुस्तक है। आपने पढ़ी है गीता और आप पढ़ेंगे? जी मैंने गीता का पूरा इंग्लिश वर्जन पढ़ा है, लेकिन कपीश जी ने नहीं कहा, ये आप अल्फाज डाल रहे हैं और आपकी मंशा हम सब समझ रहे हैं। दीपक जी कपीश जी को कंप्लीट करने दीजिए। अरे आपने बड़े भोले बन गए। हिंदी में नहीं पढ़ा सर, हिंदी नहीं आती आपको अतिकुर भाई? नहीं नहीं मैंने हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा श्रीराज नायर साहब इतना छोटा सा जाओ, अतिकुर आपने क्यों दिया? ये तो रिसर्च है ना, जिसका सर्च हो गया उसका रिसर्च करते हैं। बात पूरी नहीं हुई, आ रहा हूँ कभी आऊंगा मैं आपके पास। देखिये दीपक जी, संस्कृत में कहावत है यथा राजा तथा प्रजा, और जयराम रमेश के राजा कौन है हम सब जानते हैं, राहुल गांधी जी और उनके शीर्षस्थ नेता सोनिया गांधी जी, और इनके विचार हिंदू विरोधी विचार जो है वो जग जाहिर है, सब जानते हैं। ये वो पार्टी है जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के सारी हदें पार कर दी हैं, एक के बाद एक चुनाव हारते चले गए। अभी कर्नाटक का चुनाव जो जीता है वो भी उन्होंने जीता क्योंकि मुसलमानों को बजरंग दल का डर दिखा करके, बजरंग दल को बैन करेंगे वो डर दिखा के चुनाव जीता है। गीता प्रेस के बारे में इनको जानकारी कितनी है? इनके लोगों को भारतीय धर्म, भारतीय धरोहर की जानकारी कितनी है? ये वो लोग हैं जो मुगलों को महिमामंडित हमेशा करते आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मिशनरियों को महिमामंडित करते आ रहे हैं। तो इनको भारतीय गाथा, भारतीय पुराण, भारतीय महापुरुष, भारतीय ग्रंथों के बारे में इनको एलर्जी है, इसीलिए इन्होंने गीता प्रेस को मिलने वाले पुरस्कार का विरोध किया है। और आप देखिए इनकी महानता, यही वो पार्टी और इनके अनुयायी है जिन्होंने कैंपेन चलाया था कि गीता प्रेस बंद हो रहा है, इनके पास धन नहीं है चलाने का, छापने की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे, ऐसे इन्होंने कैंपेन चलाया था। और देखिए आज 1 करोड़ का पुरस्कार, ये कह रहे हैं हमको 1 करोड़ की राशि नहीं चाहिए, हम पुरस्कार स्वीकार कर रहे हैं। और ये इतना महान संस्था 100 वर्षों से, आपने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा कितने छोटी राशि में इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें जो भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर, भारतीय महापुरुष, भारतीय ग्रंथों, और भगवान रामायण गीता इत्यादि के बारे में दे रही है। तो इनको तो ये चुभेगा, ये तो इनकी अभिव्यक्ति की आजादी, ये जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव फ्रीडम, ये सब इनकी सहूलियत अनुसार होती है। Z News.